असाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट समझते हैं। अमन अहमदाबाद में रहता है और अमन एक मैन्युफैक्चरर है। क्या मैन्युफैक्चर करता है? इसकी एक फैक्ट्री है जिसमें कि ये अलग अलग वैरायटी के जूस बनाता है, और जैसे क्या रियल है ना, वैसे ही अमन अमन के नाम से जूस आता है अलग अलग वैरायटी के। और अहमदाबाद में इसका जो प्रोडक्ट है वो सुपर डुपर हिट है, ठीक है। अब ये चाहता है कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो देश के और शहरों में भी बेचा जाए, मगर चूंकि अमन अकेला है तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए उसको अपना बिजनेस और एक्सपांड करना। तो एक दिन उसके दिमाग में एक बात आती है, उसका स्कूल का दोस्त है अनुज, ठीक है। तो अनुज रहता है इलाहाबाद में, ठीक है। अमन रहता है अहमदाबाद में, अनुज अब सेटल हो गया है, सेटल नहीं हुआ बेचारा, इलाहाबाद में है मगर सेटल नहीं हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अमन को दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यार एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और कैसे करके इलाहाबाद में हम मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो अमन अनुज को फोन लगाता है और अनुज से पहले पूछता है कि भाई तू आजकल क्या कर रहा है। तो अनुज बोलता है नहीं यार कुछ नहीं, जॉब हंट चल रहा है, सोच रहा हूँ कहीं ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, मिल नहीं रही है। तो बोलता है अच्छा मैं तेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। तो बोलता बता क्या? बोला देख मैं यहाँ पे मेरी एक फैक्ट्री है अमन जूसेस के नाम से, और मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सुपर डुपर हिट है, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट हम इलाहाबाद में भी बेचें, और डेफिनेटली इलाहाबाद में भी ये प्रोडक्ट चलेगा। तो बोलता ठीक है वो तो, मगर तू मेरे से क्या चाहता है वो बता, साफ साफ बोल। तो बोलता है देख भाई सीधी सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट तुम वहां पे बेचो अमन, ठीक है, ये प्रोडक्ट भैया तुम वहां पे बेचो और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बिकेगा वहां पे। तो बोलता है कि अच्छा तुम चाहते हो कि ये जूस मैं तुमसे खरीदूं और फिर यहाँ पे बेचूं? तो मन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे से जूस खरीदो फिर वहां पे बेचो। तो बोला फिर क्या चाहते हो? अभी तो यही बोला। बोला नहीं, बोला मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पे तुम ये जूस वहां पे बेचो। बोला नहीं समझा मैं, फिर से बताओ। बोला मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको गुड्स भेजूं और फिर मेरे भेजे हुए गुड्स तुम वहां पे बेचो। बोला अच्छा मतलब तुम मेरे को बेचोगे नहीं बल्कि भेजोगे गुड्स? बोला हाँ। बोला ठीक ठीक ठीक
मगर अगर तुम मेरे को बेचते तो उसको तो सेल बोलते हैं, मगर तुम मेरे को गुड्स भेज रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? बोला इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स भेजता है ताकि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बिहाफ में गुड्स बेचे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट। और ये जो वर्ड कंसाइन है, इसका मतलब होता है भेजना, टू सेंड। ठीक है, तो अनुज बोलता है हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कंसाइनमेंट बोलेंगे। तो अनुज बोलता है तो अच्छा, तू सीधी सी बात है, तू चाहता है कि हम लोग पार्टनरशिप करें? बोलता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हम दोनों पार्टनरशिप करें, हम दोनों पार्टनर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप नहीं है बल्कि कंसाइनमेंट है। तो अनुज बोलता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि पार्टनरशिप में दोनों मिलके काम करते हैं और उनको पार्टनर्स बोला जाता है, तो फिर ये बोला ये कंसाइनमेंट है और हम दोनों पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। तो बोला फिर हम लोगों को क्या बोला जाएगा? मेरे से तुम लोग बोलेंगे तुम क्या हो तो मैं क्या बोलूंगा? तो बोला बोला यहाँ पे मेरे को बोला जाएगा कंजाइनर। अमन बोलता है और बोला फिर मेरे को क्या बोला जाएगा? बोला कंजाइनी। बोला अच्छा, तो बोला जैसे पार्टनरशिप में दोनों लोग प्रिंसिपल होते हैं, दोनों लोग एजेंट होते हैं, डबल रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है? बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला फिर कैसा है? बोला मैं यहाँ पे प्रिंसिपल रहूंगा और तुम यहाँ पे एजेंट रहोगे। बोला ठीक। बोला मैंने ये पढ़ा है कि प्रिंसिपल जो कि लायबिलिटी बियर करता है ना, एजेंट जो कि एक्ट करता है। तो अमन बोलता है बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो बोला अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर खर्चे किसके होंगे? तो बोला सारे के सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा। तो बोला अच्छा, तुम जब गुड्स मेरे को भेजोगे तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो तुम ही बेयर करोगे? अनुज पूछता है। तो अमन बोलता हाँ, पूरे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा। अच्छा, तो फिर अगर मेरे यहाँ कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कौन बेयर करेगा? बोला वो भी मैं बेयर करूंगा। बोला ठीक। बोला अच्छा ये बताओ कि तुम मान लो गुड्स भेज रहे हो, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं और इधर रास्ते में ट्रक में आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो नुकसान किसका? अमन बोलता तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नुकसान मेरा। तो फिर बोलता है अच्छा, अगर यहाँ पे आग नहीं लगती है, मेरे यहाँ गुड्स पहुंच जाते हैं, मेरे गोडाउन में गुड्स में आग लग जाती है, तो नुकसान किसका? अमन बोलता तो भी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा नुकसान है। बोला अच्छा ठीक है, अब बताओ कि जब गुड्स मैं बेचूंगा उस पे कमाई होगी तो वो कमाई किसकी? बोला वो भी मेरी। तो अनुज बोलता तो फिर मैं क्या करूंगा? बोला भाई तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको कमीशन मिलेगी। बोला अच्छा ठीक, समझ में आ गया। तो बोलता है ठीक है, कमीशन मिलेगी, इतना मेरे को समझ में आ गया, एक्सपेंसेस तुम्हारे, लॉस तुम्हारा, प्रॉफिट तुम्हारा, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, और हम क्या कहलाएंगे? कंजाइनर और कंजाइनी कहलाएंगे। बोला ठीक, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, बोला अच्छा अब ये बताओ मेरे को कि और इसके अलावा कुछ? तो अमन बोलता है देखो, मैं तुमको गुड्स भेजूंगा, ठीक है, और जब मैं तुमको गुड्स भेजूंगा तो गुड्स के साथ मैं तुमको एक चिट्ठी भी भेजूंगा, उस चिट्ठी में पूरी जानकारी दी रहेगी कि वो कितने गुड्स हैं और क्या भाव में तुमको बेचना है, इस बात की पूरी जानकारी रहेगी। बोला अच्छा, वो तुम मेरे को बिल भेजोगे, इनवॉइस भेजोगे? बोला नहीं।
वो इनवॉइस जब हम गुड्स बेचते हैं तब दी जाती है। तो बोला फिर ये क्या है? तो बोला ये कहलाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। बोला अच्छा। बोला यार फिर तुम मेरे को चिट्ठी लिखोगे तो क्या मैं तुमको चिट्ठी नहीं लिखूंगा? बोला हाँ, तुम भी मेरे को चिट्ठी लिखना। बोला फिर वो कौन सी चिट्ठी रहेगी? बोला देखो जब तुम गुड्स बेच लोगे फिर पूरा हिसाब किताब बना के मेरे को भेजोगे तो वो चिट्ठी तुम मेरे को भेजना। बोला उस चिट्ठी को क्या बोलते हैं? बोला उस चिट्ठी को बोलते हैं अकाउंट सेल्स। ठीक। बोला ठीक, मेरे को समझ में आ गया, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। बोला मगर 2 मिनट चाहिए, लिखना है मेरे को। यहाँ पे जो ओनर है वो भी कौन है गुड्स का? ये है। अगर ये ओनर है तो ये कौन है? ये बेली है। ओनर बोलो यहाँ पे, बेलर बोलो, जो रिलेशन है वो बेलर और बेली का है। क्यों? क्योंकि इसके गुड्स इसके पास रखे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? खाली क्या ट्रांसफर हो रहा है बताओ मेरे को यहाँ पे? पोजीशन ओनली पजेशन इज ट्रांसफर्ड। ओनली पजेशन इज ट्रांसफर्ड। कुछ कंपनीज करती हैं जैसे कि वो आपको अपॉइंट करती है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक रिलेशन में ही है, उनके पास रूपा की एजेंसी है। एजेंसी मतलब एज अ कंसाइनी वो वर्क करते हैं, मतलब ओवरऑल एमपी का उनको एजेंट अपॉइंट किया गया है। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं डीलर्स के पास, उन्होंने डीलर्स अपॉइंट किए हुए हैं, वो वहां से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर, अब ऑर्डर लिया और या तो सीधा सीधा वो कंपनी में दे देते हैं और कंपनी सीधे उनको भेज देती है सीधे डीलर के पास, या फिर इनके पास भेजती है और ये फिर यहाँ से वो डीलर के पास भेजते हैं। ठीक है। तो गुड्स किसके हैं? उनको गुड्स खरीदने नहीं पड़ रहे हैं कि पहले उन्होंने गुड्स खरीदे और फिर खरीदे हुए गुड्स बेचे, ऐसा नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे बेचना है, वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ठीक है, क्लियर है? इसको क्लियर कर देते हैं। कंसाइनमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर हु इज टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन। कंजाइनर द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, कंजाइनी द पर्सन टू हूम गुड्स आर सेंड, कंजाइनिंग द पर्सन टू हूम गुड्स आर सेंड। क्लियर? यस।
अब आते हैं हम कमीशन पे। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कमीशन रहती है। तो कौन कौन सी कमीशन रहती है? सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन किस पे दी जाती है? सेल पे दी जाती है। क्यों दी जाती है? गुड्स बेचने के लिए दी जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरा प्रकार है ओवरराइडिंग कमीशन। अब ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो, आप मान लो कि अमन ने अनुज को गुड्स भेजे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जूस। अब वो जूस की एमआरपी भले ही ज्यादा हो, 20 रुपए मान लेते हैं कि एमआरपी है। अमन ने अनुज को बोला कि भाई तेरे को ये जो जूस है पर पैकेट तेरे को 12 रुपए ईच मार्केट में बेचना है, क्योंकि इसको किसको देना है? इसको डीलर्स को देना है। ये डीलर अपॉइंट करेगा, उनको देगा, फिर उनसे पैसे कमाएगा, है ना। तो अमन ने उसको बोला कि 12 रुपए में तुमको ये बेचना है, इतने की उसने प्रोफार्मा इनवॉइस बना के उसको भेज दी। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ 12 रुपए में मेरे को बेचना है। साथ ही साथ अमन ने उसको बोला कि देख भाई, तेरे को 12 रुपए में बेचना है, ठीक है, मैं तेरे को एक और ऑफर दे रहा हूं। तू यदि 12 रुपए से ऊपर के दाम पे बेचता है तो जितना भी ऊपर पे बेचेगा उतने पे मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा, जिसको हम ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। तो अनुज बोलता है नहीं, समझ में आया, मेरे को एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख मैं तेरे को 100 पैकेट भेज रहा हूँ, तो 100 पैकेट कितने के हुए? 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए में तूने बेचना है। बोला हाँ। बोला मान लो कि मैं तुमको ऑफर करता हूं कि मैं तुमको ओवरराइडिंग कमीशन दूंगा 5%। तो वो 5% का कैलकुलेशन कैसे होगा, इस बात पे ध्यान देना। तो अनिल बोला हाँ बिल्कुल ध्यान दे रहा हूं। बोला मान लो कि ये 1200 रुपए में तुमने बेचना है, मगर तुमने बेचा कितने में? 1300 रुपए में। तो तुमने कितने ज्यादा में बेचा? बोला 100 रुपए ज्यादा में बेचा। बोला इस 100 रुपए पे 5% मैं तुमको अतिरिक्त दूंगा, 5 रुपए। बोला ये कहलाती है ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, तो ओवरराइडिंग कमीशन कंजाइनर कंजाइनी को क्यों देगा? ताकि कंजाइनी इन्फ्लेटेड प्राइस पे गुड्स को बेच सके, जो तय किया गया है उससे ज्यादा दाम पे बेच सके। ठीक है ना, इसीलिए कंजाइनर कंजाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन देता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। क्योंकि यहाँ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे इसके लिए इसको 95 रुपीज ज्यादा मिल गए और मिले 100 रुपए, उसमें से 5 रुपए इसने इसको दे दिए, तो इसको देने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये तभी देगा जब वो ज्यादा पे बेचेगा। तो इसका ये भी कोशिश करेगा कि भाई मेरे को ज्यादा कमाना है तो मैं ज्यादा दाम पे बेचूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? ताकि कंजाइनी इन्फ्लेटेड प्राइस पे गुड्स को बेच सके, ठीक है ना, और कंजाइनर कंजाइनी को किस पे कमीशन देगा? तो जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, स्पेसिफाइड सेल अमाउंट है, और जो वाकई में सेल प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड स्पेसिफाइड सेल प्राइस, है ना, इस पे कमीशन का कैलकुलेशन होगा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो ध्यान रखना आपको कैलकुलेशन किस पे करना है? डिफरेंस पे करना है। और यदि क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है कि नहीं, इस पे सेल पे होगा, तो ठीक है भाई, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तीसरे प्रकार की कमीशन जो पाई जाती है, दैट इज डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, अब अमन जो है, अनुज
अनुज को बड़े डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में बार बार। वो बार बार फोन करके बोलता है कि भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, जैसे वो पूछा था कि भाई रास्ते में लॉस हो गया, आग लग गई है ना, मेरे गोडाउन में आग लग गई। तो अमन बोलता भाई तू नेगेटिव नेगेटिव क्यों सोचता है, तू पॉजिटिव पॉजिटिव सोच, अच्छी अच्छी बातें सोच। बोला नहीं नहीं भाई, क्योंकि मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ बात। बोला ठीक है भाई, कर क्लियर, क्या पूछना चाहता है। बोला देख भाई, ये गुड्स बेचने जाएंगे, एकदम से कोई थोड़ी ना तुम्हारे गुड्स खरीदेगा। अमन को कोई जानता होगा, अहमदाबाद में जानता होगा, अलाहाबाद में कोई नहीं जानता है। तो मैं किसी शॉप पे जाऊंगा ना तो ऐसे कोई खड़े भी नहीं होने देता है। तो बोला फिर कैसे खड़े होने देगा। अच्छा बोला भाई उधार उधार देना पड़ता है, उधार में गुड्स बेचने पड़ते हैं तभी लोग खड़े होने देते हैं। तो बोलता ठीक है ना भाई, तू बेच ना, उधार में बेच, कोई दिक्कत नहीं है, तू मार्केट अच्छे से कर। तो बोला ठीक है, उधार में जब बेचूंगा मैं तो एक चीज और दिक्कत जाएगी। तो बोलता है क्या दिक्कत जाएगी। बोला पैसा डूबेगा, बैड डेट होगा। मैं बोलता हाँ बराबर बात है, बैड डेट होगा। बोला बैड डेट का नुकसान कौन सहेगा, तुम सहोगे कि मैं। अमन बोलता भाई मैं सहूंगा, क्यों चिंता करता है। ठीक है, अब स्टार्ट तो हो गया बिजनेस, मगर अब ये क्या करता है, ये इसके दिमाग में क्या बात आ गई कि पैसा डूबेगा तो किसका नुकसान, इसका। तो ये हर जगह पे जाके जूस दे के उधार दे के आ रहा है, पान वाले को भी उधार दे के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में पैसा डूबने लगता है। तो अल्टीमेटली अमन उसको बोलता है कि देख भाई ऐसे नहीं चलेगा, पैसे डूब रहे हैं, मेरे को तकलीफ हो रही है, अब बैड डेट होगा तो तू बेयर करेगा। तो अनुज बोलता है ऐसे कैसे मैं बेयर करूंगा यार, मैं कमाऊंगा नहीं उससे ज्यादा, मैं गवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो अमन बोलता है देख भाई मैं तेरे को एक ऑफर दे रहा हूँ। बोला बता। बोला मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। बोला किस बात की एक्स्ट्रा कमीशन। बोला अगर पैसा डूबता है तो वो तुम्हारी जवाबदारी, और इसके एवज में मैं तुमको एक कमीशन दे रहा हूँ जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। बोला ठीक। बोला मगर एक बात बताओ, ये तो समझ हाँ गया मैं, डेल क्रेडर कमीशन तुम मुझे इसीलिए दे रहे हो ताकि यदि पैसा डूबता है तो बेटर मैं बेयर करूं, कंसाइनी बेयर करे। अमन बोलता है बिल्कुल सही। बोला मगर ये बताओ कि ये जो कमीशन है वो किस पे मिलेगी, कैश सेल पे, क्रेडिट सेल पे, या टोटल सेल पे। तो भैया टोटल सेल पे, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट डेल क्रेडर कमीशन ऑन द टोटल सेल एंड नॉट क्रेडिट सेल। आपका दिमाग बार बार क्रेडिट सेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको लगेगा नहीं क्रेडिट पे कैलकुलेट करें। आपने अपने आप से क्रेडिट जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल टोटल सेल। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन सेल, बाकी क्वेश्चन में दिया रहता है, उसमें अगर और कुछ रहता है तो। ओवरराइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन व्हिच इज ऑफर्ड बाय कंसाइनर टू सेल द गुड्स एट हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड।
ओके डन। इसका सेकेंड पॉइंट एक बार देखिएगा, लिखा है इन केस अ डेटर डिडक्ट एनी अमाउंट ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड द कंसाइनी विल नॉट बेयर द लॉस इवन इफ द कंसाइनी इज गेटिंग डेट टू द कमीशन। हुआ क्या, अमन ने एक खराब लॉट भेज दिया अनुज को, अब उस कारण से एक डेटर को पैसे देने के लिए तैयार नहीं, बोला एक खराब लॉट है ना, और तो और एक कस्टमर ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया है, तो मैं नहीं देने वाला भाई पैसे, ठीक है। तो उस कारण से जो बैड डेट हुआ वो अब ये बेयर नहीं करेगा, क्योंकि पुअर क्वालिटी के कारण है, वो अमन को ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है डन। इन कंसाइनमेंट द गुड्स आर सोल्ड, चलो यहां से शुरू करते हैं, रिस्क एंड एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। सौरभ ओनली पोजिशन इज ट्रांसफर, सही है क्या? यस सर। दिशा प्रोफॉर्मा इनवॉइस, हाँ नेहल से टू सेल द गुड हायर देन प्राइस फिक्स, आदित्य शांत आएंगे आप लोग, आदित्य ए क्या होगा श्वेता, बी टू बेयर द बैड डेट्स, हाँ टोटल सेल एक्सीडिंग इनवॉइस वैल्यू, क्या होगा
कंसाइनर टू कंसाइनी. विनय टोटल सेल्स है ना. ये जो बोल रहे हैं ना इसको आपने अप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं मगर अप्लाई नहीं करते हैं. अभिषेक कंसाइनर. हाँ शशांक, the one who prepares the account sales is called consignee. क्या नाम है? Sales agent. साहिल transfer of possession common बोल रहा है ना. हाँ संजय कंसाइनी. कंसाइनर है ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना. बताइए, चलो सौरभ फटाफट बताओ. कौन सी कमीशन नॉर्मल कुछ नहीं लिखा है तो कौन सी होनी चाहिए? ऑर्डिनरी है ना. छह रुपए. ऐसा छह रुपए सबका आंसर छह. चलिए 10 रुपए का एक यूनिट कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट से क्या लेना देना, हमें तो सेल चाहिए. सेल है 12, 10 यूनिट तो कितना हो गया 120 का 5% 6, तो 6 आंसर. कौन बताएगा? दिशा ना. दिशा टोटल कितना हो जाएगा? टोटल बता. 9 रुपए. आप लोगों का आंसर नहीं बताओ भाई, आपको सब मालूम है, आपने पढ़ा है ना भाई, किस पे मतलब कौन सा कमीशन देते हैं, सब तो पढ़ा है आपने. ऑप्शन देखें, छह किसी का ऑप्शन नहीं है, 8.4 ऑप्शन है,
8.2 और 10। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अच्छे से क्या बोलता है। काला सेंट 10 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹10 ईच टू गोरा। गोरा सोल्ड 5 यूनिट्स एट ₹12 पर यूनिट इन कैश एंड 5 यूनिट्स एट ₹12 पर यूनिट ऑन क्रेडिट। मिस्टर गोरा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन एंड 2% डेलीगेटेड कमीशन। तो सबसे पहले तो 5% कमीशन किस पे मिलती है? सेल पे, है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे बोलता है 5% कमीशन एंड 2%। तो एक काम करते हैं, 5 12 रुपए में और दूसरे 5 भी 12 रुपए में, तो कुल मिला के 10 × 12 हो गया 120। उसका 5% हो गया 6, ये मिलेगा। अब 2% डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट आपने भूलना नहीं है कि वो टोटल सेल पे ही मिलती है, ठीक है ना? तो टोटल सेल तो आपकी 120 ही है, इसी का 2% हो गया 2.4। भूल जाते हम लोग बार बार। 8.4 इज द कमीशन। इज इट क्लियर? हाँ, नेहल। सात आठ यस, तुम्हारा 8। चलो देख लेते हैं। काला सेंट 10 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹10 ईच टू गोरा। द गुड्स वर सपोज टू बी सोल्ड एट ₹12 पर यूनिट। बादाम में बेचना था ना। गोरा सोल्ड द गुड्स एट 14 ईच। गोरा वाज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन स्पेसिफाइड रेट। स्पेसिफाइड रेट समझते हैं, ये स्पेसिफाइड है ना, जितने में बोला, और 5% ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है ना? तो अब 5% पहले तो आप सीधा सीधा जो नॉर्मल सेल प्राइस है ना, स्पेसिफाइड सेल प्राइस है, दैट इज 10 × 12, दैट इज 120 का 5% हो गया 6। आई बात समझ में? और 5% ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग मतलब अतिरिक्त, उसने 140 में बेचा, बेचना था 120, डिफरेंस हो गया 20, इसका 5% कितना होता है? 1 रुपया। कुल मिला के हो गया 7। आया समझ में? अब इसमें बोलता है कि बताओ कि अकाउंट सेल्स कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट सेल्स बनाना एकदम आसान है, एकदम आसान, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? चलो मान लो कि नेहल, नेहल जो है, नेहल की एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है? और इसको भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। इसको लगता है कि देखो सब एक्सपांड कर रहे हैं, सब एक्सपांड कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस एक्सपांड कर रही हूँ, ठीक है? तो अनुज ऐसा दिशा अब तक दिशा चलो देखा, दिशा को उसने बोला, दिशा भी जॉब ढूंढ रही है, उसको कोई जॉब ऑफ नहीं मिल रहा है। तो नेहल उसको बोलती है कि तू क्यों परेशान होती है, तू कुछ जॉब ऑफ की चिंता नहीं कर, तू एक काम कर, मेरी स्टेशनरी की शॉप है ना, तू एक काम कर, तुम
मेरे पास काफी अच्छी अच्छी वैरायटी की पेन्स हैं, वो पेन जाके बेच घर घर जाके घर घर जाके तू पेन बेच। बोलती है ठीक है मेरे तो बोलते हैं कि देख एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले देखते हैं कि तुम में वो कैलिबर है कि नहीं, वो टैलेंट तुम में है कि नहीं, मार्केटिंग का टैलेंट, सेल्स का टैलेंट तुम में है कि नहीं, ये मैं देखना चाहूंगी। तो दिशा बोलती हाँ हाँ भले क्यों नहीं बिल्कुल आई एम रेडी फॉर इट। तो बोला ठीक है एक काम करो, अभी अपन एक ट्रायल करते हैं, ये लो पेन और ये पेन तुम 12 रुपए में जाके बेच के आओ। दिशा जाती है और एक पेन 12 रुपए में आके बेच के आ जाती है। तो अब मेरे को ये बताओ कि दिशा नेहल को कितने पैसे देगी, अभी कोई कमीशन नहीं देना कुछ नहीं, खाली क्योंकि ट्रायल है 12 रुपए देगी। ये बात समझ में आ रही, मतलब जितना भी इसने सेल किया वो पैसा इसको देना है। नेहल बोलती बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा किया है ना, हैव दैट टैलेंट, मगर रुको एक काम करते हैं अब मैं तुमको 2 पेन दे रही हूँ और अब वो अगेन तुमको 12 रुपए में बेचना है ठीक है, मगर पिछली बार तो खाली ट्रायल था, एक काम करो इस बार अब मैं तुमको कमीशन भी दूंगी। बोलते ठीक है कितना कमीशन, बोला 1 पेन पे 1 रुपए बोला ठीक है। तो ये गई और ये दोनों पेन बेच के लाई ठीक है, कितने में बेचे 12 रुपए के 2 तो हो गया 24 रुपए। तो 24 रुपए अब क्या आके ये सीधे 24 रुपए दे देगी, नहीं अपने कमीशन 24 रुपए देने से पहले अपना कमीशन घटाया 2 रुपए और फिर 22 रुपए दे दिया। आई बात समझ में, क्लियर है पक्का? अब फिर से दिशा बोलती दो भाई और पेन दो मैं और बेच एक बार उसने उसको 5 पेन दिए ठीक है, कितने का 12 रुपए का बेचना है, 5 पेन है ठीक है। तो फिर से गई 5 पेन बेच के लाई, कितना देना चाहिए 60, मगर 60 देने से पहले उसको अपना कमीशन वो घटा लेगी 5 रुपए और फिर बाकी पैसे दे देगी। आई बात क्लियर है ये भी पक्का? अब फिर दिशा दिशाई बोलती कि और दो मैं और बेचूं। अब ये 10 पेन देती है, मगर अब दिशा जो है धीरे धीरे थोड़ी समझदार होती जा रही है। दिशा बोलती है कि देखो मैं अभी तक तुम जैसे ट्रायल कर रही थी तो मैं भी ट्रायल ही कर रही थी क्योंकि मैं जब यहाँ से स्टेशन जाती हूँ तो लोग नहीं लेते हैं पैन बेचने, तो वहां पे वहां तक पहुंचने में ही मेरा 5 रुपए का पेट्रोल देना है ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है तुम क्या चाहती हो, बोला देखो आगे से पेट्रोल का खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा है ना, अब इसको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, 2 रुपए का पेन था उसको 12 रुपए में देती थी, तो बोलती ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब नेहल ने फिर से उसको 10 पेन दिए, अब ध्यान देना 10 पेन इसने जाके स्टेशन पे बेच दिए ठीक है, नहीं फालतू बात नहीं, हाँ 12 रुपए में ईच बेचा तो टोटल सेल कितनी हुई,
120, 120, मगर अब इसने क्या बोला है, खर्चे भी कौन उठाएगा? निहल उठाएगी, और कमीशन भी मिलेगा इसको। तो खर्चे में 10 रुपए का पेट्रोल लगा और 10 रुपए गाड़ी का स्टैंड, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया? 20 रुपए। तो अब क्या, 120, ध्यान देना, अब उसको देना कितना है, अब आप ध्यान दो, अब देना कितना है, 120 देना था, मगर 120 देने से पहले कमीशन कितना बना इसका, कमीशन 10 पेन है, तो कितना हो गया, 10 रुपए कमीशन, और पेट्रोल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 10 रुपए, और स्टैंड एक्सपेंसेस हो गए 10 रुपए, तो ये घटा के कितना हो गया, 90। तो अब इसने जब पैसा देना है तो कितना देना है, 90। आई बात समझ में, क्लियर है? अब दिशा का कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बहुत बढ़ गया, इसको लगा कि यार 10 पेन बेचने में आधा घंटा लगता है ना, वेरी गुड थिंग, मैं बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती हूँ। तो ये आती है इसके पास, दिशा नेहल के पास, बोलती है देख अब ये छोटी मोटी डील मेरे से ना होगी, 100 पेन दो, 100। तो नेहल को डर लगने लगता है, बोला ऐसा ना हो कि 100 पेन लेके भाग जाए। तो बोला नहीं, बोला देख अभी तक 5 पेन 10 पेन तक की बात थी तो कोई बात नहीं, तू मेरी दोस्त है, मगर 100 पेन में दोस्ती बीच में नहीं आनी चाहिए। बोला एक काम कर, अब वी हैव टू बी प्रोफेशनल, बोला 100 पेन तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 300 रुपए डिपॉजिट लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये बोलती ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, कितने पेन है, 100। 100 के 100 पेन बेच डाले एक ही दिन में, 12 रुपए ईच, कितना हो गया, 1200। 1200 रुपए देने चाहिए, मगर देने से पहले क्या क्या इसको घटाना है, 300 रुपए एडवांस दिया हुआ है, 300 रुपए एडवांस घटा दिया है ना, बोला मैंने पहले ही दे दिया है। उसके बाद 100 रुपए का हो गया तुम्हारा कमीशन है ना, 10 रुपए का पेट्रोल, 10 रुपए का स्टैंड, कितना, 780, 780 रुपए जाके दिए। आई बात समझ में, ये क्या था, ये था सेल, ये क्या था एडवांस, ये क्या था कमीशन, और ये दोनों क्या थे, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, सेल में से एडवांस, कमीशन, एक्सपेंस घटा के बाकी जो दिया, ये और कुछ नहीं, अकाउंट सेल, अकाउंट सेल, अकाउंट सेल, ठीक है। तो समझ में आया अकाउंट सेल, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फायदा है, किसका फायदा है, चलो इधर ध्यान दो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कंजाइनी कंजाइनर को कितने पैसे देगा, कंजाइनी कंजाइनर को कितने पैसे देगा, जैसे कि इसने अभी गुड्स बेचे तो बेचने के बाद पैसे तुमको लाके दिए, तो देने से पहले कमीशन, एक्सपेंसेस, और यदि कोई एडवांस दिया है तो वो घटा दे, और वो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, जो भी पैसे खर्च किए वो सारे घटा के, और जितना भी उसका कमीशन बनता हो, जो भी उसने गुड्स बेचे हैं वो दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात ना, एकदम क्लियर है ये बात। तो चलो एक काम करते हैं, एक प्रश्न देता हूँ मैं इसी बात पे आपको, आप लोग बताइए जरा।
अच्छे से दिमाग लगा ना। नेहल सैन 200 फैंस टू दिशा कॉस्टिंग 5 each एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 12 each। ठीक है, दिशा वॉज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ रुपी 1 ऑन ईच पेन सोल्ड। दिशा सोल्ड 50 पेन्स हाँ एट रुपीज 12 each एंड इनकर्ड पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 20। She also incurred freight of ₹1 on each pen. Find the amount remitted by दिशा टू ने। सोच समझ के जवाब देना आप लोग, मेरे को लग नहीं रहा है कि आप लोग सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। हाँ 580 आएगा। हाँ 440। हाँ 2120 दिशा नेहल को देगी। सिंपल है, मैंने आपको फॉर्मेट आपके पास है और फॉर्मेट से बड़ी बात मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करके बताई। आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। प्रैक्टिकली सोचो कि दिशा नेहल को कितने पैसे देगी, रियलिटी में ऐसा होता है तो वो कितने पैसे उसको देगी? 2280 रुपए देगी। 2280 तो कहीं से होता ही नहीं है यार। देखो अभी आपने क्या देखा कि जितने ही सेल की है, सबसे पहले तो सेल देखो 60 × 12 720 ये देना चाहिए है कि नहीं? जो सेल किया उतना ही देगी ना, जो कुछ रखे हुए हैं उसके पैसे क्यों देगी? वो कंसाइनमेंट है ना भाई। अब उसके बाद देने से पहले वो देखेगी कि भाई मैंने क्या खर्चा किया है, मेरा क्या कमीशन बनता है। तो कमीशन कितना बनता है? ₹1 पर पेन। तो कितने पेन बेचे हैं? 60। तो ₹60 कमीशन, ठीक है ना। अब ₹20 पेट्रोल एक्सपेंस ये भी घटा दो, और फ्रेट दिया है ₹60। क्यों? जब इसके पास गुड्स आए हैं तो कितने पेन आए हैं? 200। तो ₹200 फ्रेट दिया ना इसने। ऐसा होगा क्या कि जब मैं गुड्स बेच लूंगी तभी फ्रेट घटाऊंगी? ऐसा कोई नियम थोड़ी ना भाई। इसने पैसे खर्च किए हैं ₹200, जब इसके पास ट्रांसपोर्ट से गुड्स आए तो उसको ₹200 देने पड़े हैं, और वो ₹200 किसको बेयर करने हैं? वो नेहल को बेयर करने हैं। कमीशन तो ऐसा है कि जब आप गुड्स बेचोगे तभी मिलेगा ना, मगर ये एक्सपेंसेस का उससे क्या लेना देना? एक्सपेंसेस तो ₹200 हुए ही है ना। जब इसके पास गुड्स पहुंचे 200 पेन, तो इसको ₹200 ट्रांसपोर्टर को देने पड़े फ्रेट के। आधी बात समझ में?
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 440। किसने आंसर दिया था 440? दिशा का काम का दिमाग काम कर रहा है कि उसने पैसे देने हैं, जितने देने हैं समझ में आता है, वो ज्यादा कैसे दे सकती है। हाँ तो जितना बेटर आप विजुलाइज कर सकते हो ना, जितना ज्यादा आप वाकई में इन्वॉल्व हो सकते हो पूरे बिजनेस के अंदर, उतना अच्छा है। आधी बात समझ में क्लियर है? अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद कंजाइनी, ये आखिरी में लिखा हुआ है। क्या क्या उसके बाद रह गया है वो भी उसमें मेंशन कर देता है, कंजाइनी कंजाइनर, क्योंकि भाई देख ये भी गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं। जब अकाउंट सेल्स भेजता है ना तो ये भी साथ में मेंशन कर देता है। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड सेल प्राइस। चलो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लो कि नेहल ने जो पेन खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस है 10, ठीक है। उसने जो इनवॉइस बना के प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजा, वो बना के भेजा 12 में, और उसको बोला कि भाई तुम 12 में बेचो, 12 से ज्यादा में बेचो। तो इनवॉइस प्राइस एंड सेल प्राइस कैन बी सेम, हो सकता है, हाँ अलग भी हो सकता है। तो मान लो इसने बेच दिया 14 में, ठीक है। तो ये कहानी पूरी समझ में आई, ये जितने में खरीदा, ये जितने में भेजा और ये जितने में बेचा। खरीदा प्राइस, भेजा प्राइस, बेचा प्राइस, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यदि, चलो एक काम करते हैं, यदि हमारे पास, अगर मैं बोलता हूं कि नेहल ने 10 पेन उसको भेजे 10 रुपए ईच में, है ना, और जब उसने भेजा इनवॉइस बना के, है ना, प्रोफार्मा इनवॉइस बना के, तो 20% जोड़ के भेज दिया, 20% अबव सीपी, ठीक है ना, समझ में आई बात। फिर से चलो और पूरी कहानी बोल देता हूँ। नेहल सेंट 1 पेन टू त्रिशा कॉस्टिंग ₹10 each एट 20% अबव सीपी, व्हाट वुड बी द आईपी, बताए ना। 20% अबव सीपी मतलब 10 प्लस 10 का 20%, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 12, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं नेहल सेंट 1 पेन टू दिशा कॉस्टिंग ₹10 each एट 20% प्रॉफिट ऑन आईपी, व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक पेन भेजा दिशा को, एक की कीमत है 10, कितना प्रॉफिट रखा है 20%, मगर किस पे,
आईपी, अरे भाई आईपी तो मालूम ही नहीं है ना। अरे भाई आईपी कॉस्ट प्राइस बोलता तो समझ में आता, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमारे पास आईपी थोड़ी ना दिया हुआ है। तो भाई अब हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास एक रास्ता है, याद दिलाऊं, अगर प्रॉफिट आईपी पे 20% है तो कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा? याद आया कि नहीं बताओ? अगर कॉस्ट पे, सॉरी, अगर आईपी पे 20% है तो कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा? नहीं, अपन ने किए थे कॉस्ट पे इतना, सेल पे इतना परसेंट है तो कॉस्ट पे कितना होगा? हाँ, 25%. 25% जोड़ सकते हो, चेक करके देखो, जरा चेक करके देखो आप। चलो फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है 10, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, आईपी का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, आईपी 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 का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो अज्यूम करो, अज्यूम आईपी इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20, है ना। तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 80। अब ये 20 80 का कितना परसेंट है? 25% है। अगर आपको अब कॉस्ट का परसेंट मिल गया तो 10 प्लस 25% कितना हो गया? 12.5। 12.5 क्या आ गया? आईपी। अगर आईपी मिल गया, अभी चेक करके देखो कि 12.5 का 20%, 12.5 का 20% कितना होता है? 2.5 आ गया। हाँ, आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? मगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लेंदी तरीका है। बार बार बैठ के अपन परसेंट फाइंड करेंगे और फिर ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसा करेंगे, ध्यान दो, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं, सीपी आईपी। ज्यादा क्या होता है, सीपी की आईपी? आईपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा। और आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास सीपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है। क्या दिया है आपके पास? सीपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट जो भी दिया है ना, इनटू, अब इनटू हम एक काम करते हैं, हमारा परसेंट कितना दिया हुआ है? 20 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, 100 माइनस 20। 20 क्या है? ये परसेंट है। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसकी जगह परसेंट लिख देता हूँ, यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, परसेंट लिख देता हूँ। तो अमाउंट कितना है? 10। 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, ऐसे ही होगा। आधी बात समझ में? ये देखो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2.5। तो 2.5 क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया है ना, प्रॉफिट आ गया। अब एक काम करो, 10 इंटू 100 करो। एक काम करता हूँ मैं, इसको क्लियर कर। हाँ, 12.5। चलो देखो, अभी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, मान लो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपके पास आईपी का परसेंट दिया है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का परसेंट हो, इट इज वेरी इजी, सीधा सीधा प्लस किया, आईपी आ गया, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना। अगर आपके पास सीपी दिया हुआ है 100 और लिखा है 20% ऑन सीपी, 100 प्लस 20% कितना आ जाएगा? 120। डन। मगर यहाँ पे दिया हुआ है 100 आपका सीपी और 20% ऑन आईपी, कहानी बदल गई है ना। तो हमको अब क्या करना है, ध्यान देना, अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला है अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 100 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना आएगा? 125। ये क्या आ गया?
आईपी, क्या आ गया आईपी। तो ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट। आगे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे को बताओ, यदि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 और आईपी का परसेंट दिया हुआ है 40%, फाइंड आईपी। थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट 833.33। अभी कैसे करना है, चलो देखो, 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 जो आ जाएगा आपका कितना, 833.33 आ रहा है। चलो मैं बोलता हूँ, सीपी इज इक्वल टू 1000, आईपी इज इक्वल टू 15%, आईपी पे प्रॉफिट है 15%, 1176। क्लियर है पक्का? अगर मैं बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस दिया है 500 और कॉस्ट प्राइस का ही परसेंट दिया हुआ है 20, फाइन आईपी। 500 का ही 20%, तो 500 प्लस 20% सीधा सीधा कर दिया, कितना आ गया 600, है कि नहीं? यस। चलो ध्यान से सुनो अब फिर से। हाँ, कॉस्ट प्राइस, चलो एक का दो क्वेश्चन और देखते हैं। 2000 रुपये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 2000 और कॉस्ट प्राइस का ही परसेंट दिया हुआ है 25%, फाइन आईपी। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5000 और आईपी का परसेंट दिया हुआ है 18%, फाइन आईपी। 609। ठीक है, यस समझ में आ रही बात पक्का? आईपी दिया है 5000, आईपी का ही परसेंट दिया हुआ है 1000, फाइन कॉस्ट प्राइस, नहीं सॉरी, 10%, 4500। पक्का ना, कोई दिक्कत? चलो मैं बोलता हूँ, आईपी दिया हुआ है 1000, ठीक है, आईपी दिया हुआ है 1000 और कॉस्ट प्राइस का परसेंट दिया हुआ है 25%, फाइन कॉस्ट प्राइस। 800। क्या दिया हुआ है आपके पास, आईपी दिया है, कॉस्ट प्राइस का परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं 1 to 5 ही, तो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है, हाँ कम होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, आपके पास इनवॉइस प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस का परसेंट दिया है, तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंट। मगर अब कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे कौन सा लगेगा, कहाँ पे प्लस वाला लगेगा, कहाँ पे माइनस वाला लगेगा, ये कंफ्यूजन है। देखो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ध्यान देना है, अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट और दूसरा है अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंट। तो भाई कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। एक बात बताओ, एक है माइनस वाला फॉर्मूला, एक है प्लस वाला फॉर्मूला, डिफरेंस दोनों में क्या है, केवल ये माइनस और प्लस का डिफरेंस, और कोई तो है नहीं, है ना। हम माइनस वाला फॉर्मूला और प्लस वाला फॉर्मूला को
इसको हम माइनस वाले को कम वाला फॉर्मूला और प्लस वाले को ज्यादा वाला फॉर्मूला बोल सकते हैं, चलेगा आप लोग अलाउ करें तो? माइनस वाले को कम वाला बोले और प्लस वाले को ज्यादा वाला बोले, बोल सकते हैं ना? पक्का है ना? अच्छा, बोल सकते हैं ना? अब सुनो, अब आपके पास यदि आपके पास सीपी दिया है, सीपी का परसेंट दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा प्लस किया आईपी आ जाएगा, या आईपी आ जाएगा या एसपी आ जाएगा ना? आईपी दिया है, आईपी का परसेंट दिया है और सीपी पूछ रहे हैं, सीधा माइनस किया जाए, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना? वेरी सिंपल। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन वहां होता है जब सीपी दिया है और आईपी का परसेंट, आईपी दिया है और सीपी का परसेंट, कंफ्यूजन वहीं पे है ना? तो देखो सीधी सी बात है, यदि मैं बोलता हूँ सीपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है, तो जो अमाउंट दिया है, ये अमाउंट जो दिया है, ये कम वाला अमाउंट है कि ज्यादा वाला अमाउंट है? तो कम वाला फॉर्मूला लगाओ, कम वाले अमाउंट के लिए कम वाला फॉर्मूला। और अगर मैं बोलता हूं कि आपको अमाउंट ये दिया है और परसेंट ये दिया है, आईपी ज्यादा वाला, तो कम वाले अमाउंट के लिए कम वाला फॉर्मूला, ज्यादा वाले अमाउंट के लिए ज्यादा वाला। क्लियर है? तो बस ये फॉर्मूला था, आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। तो मैं इसको आगे से ऐसे ही बोलूंगा, कम वाला ज्यादा वाला, नोट डाउन करो। ठीक है, क्लियर है? आप कर दो। चलो अभी मेरे को बताओ, ध्यान से सुना, हाँ, कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस का परसेंट दिया है, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, सीधा सीधा प्लस किया, डन, आंसर आ जाएगा, है ना? आपका आईपी या एसपी जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी और सीपी का परसेंट दिया है, आपको मालूम है? मैं बोलता हूँ सीपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है, क्या करेंगे? कम वाला, कम वाला, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आईपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सीपी, माइनस कर दिया है ना, इफ दे आर आस्किंग फॉर सीपी तो माइनस कर दिया। आईपी दिया है, आईपी का परसेंट दिया है एंड दे आर आस्किंग फॉर एफपी, सीधा सीधा क्या कर दिया? प्लस कर दिया ना। अरे बात समझ में ना? अब मैं बोलता हूँ कि आईपी दिया है और कॉस्ट प्राइस का परसेंट दिया है, ज्यादा वाला है ना। अब मैं बोलता हूँ एफपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है, एसपी दिया है, आईपी का परसेंट दिया है, एसपी ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा, एसपी आईपी से ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला ज्यादा वाला है ना। आई बात समझ में? और मैं बोलता हूँ आईपी दिया है, एसपी का परसेंट दिया है, कम वाला, कम वाला। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे थे। सेल दिया है, सेल का परसेंट दिया है, कॉस्ट पूछ रहा है, 100 माइनस 25%, ठीक है ना?
कोई दिक्कत है? हंड्रेड सेल प्राइस दिया है और सेल प्राइस का परसेंट दिया, माइनस करके तो कॉस्ट आ जाएगा। सीपी दिया है और सीपी का ही परसेंट दिया है 150। कॉस्ट है और सेल का परसेंट है, कौन सा फॉर्मूला? कम वाला। कम वाला। ठीक है, सर सहमति है ना? सेल है, कॉस्ट का परसेंट है, कौन सा ज्यादा? फिफ्टीन हंड्रेड कहाँ से होगा यार, 2 लाख रुपए। पूरे लगाएगा ना? हाँ। बोलो 667। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कम वाला। सिक्स कम वाला। अदिति हाँ 695। सर्व सहमति है? अरे भाई कॉस्ट पूछ रहा है। अरे सर नो ठीक है। सहमति है? अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग, फिर गड़बड़ क्यों करने लगे?
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कम वाला। तो 950 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 86। कौन सा फॉर्मूला? लिखा है ना, देखो। सॉरी, अलग अलग पहले कर लो ना, आप लोग इकट्ठे लिखते जाओ, फिर टैली कर लेते हैं। हो गए पूरे? पूरे हो गए? कम से कर रहे हैं। बताओ ये दूसरा। हो गया तो बोलते हैं नया आंसर। हाँ हाँ मन बोलो। 417। हम्म
166 ठीक है चलो जल्दी बता दियो यार बताओ जल्दी बताओ क्या बताओ तो 20 ठीक है सेल दिया है सेल का ही परसेंट दिया है सीपी पूछ रहा है सीधा सीधा माइनस करोगे 15,000 माइनस 25% चलो पहले ये समझ लो इनवॉइस प्राइस समझ गए आप जितने में वो गुड्स भेज रहा है उसको हम बोल रहे हैं इनवॉइस प्राइस ठीक है और लोडिंग किसको बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड लोडिंग The difference between cost price and invoice price is called loading. ठीक है? तो question में आ सकता है कि what is the meaning of loading या फिर loading calculate करके बताओ। क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट दिया है और कॉस्ट का ही परसेंट दिया है ना तो सीधा सीधा ऐड कर दिया है कॉस्ट दिया है और आईपी का परसेंट दिया है कौन सा कम वाला फॉर्मूला रहेगा ना 1 लाख ठीक है सर सहमति है सबका आंसर आया साहिल प्रिंस कैलकुलेटर नहीं लाया नाइन ठीक है यस सर 50,000 लोडिंग पूछ रहा है लोडिंग क्या है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड लोडिंग ठीक है बी यस कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है
आपके पास आईपी दिया हुआ है और परसेंट किसका दिया है? आईपी का ही परसेंट दिया है और सीपी पूछ रहा है। आईपी में से आईपी का परसेंट घटाओ तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? शशांक, हाँ बोलो ना। एक मिनट, हाँ शशांक, शशांक यहाँ पे आईपी दिया है और आईपी का परसेंट दिया है। हाँ ठीक है, हाँ तुम बोलो संजी। तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है, सीपी पूछा है कि एफपी पूछा है। हाँ कम वाला फॉर्मूला लगा रहे हो संजी? नहीं नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, समझने दो मेरे को। हालांकि मैंने कब बोला कम वाला फॉर्मूला? तुम बताओ ना, ये कम वाला ज्यादा वाला कहाँ पे लगाते हैं पहले बताओ मेरे को। हाँ है ना, हाँ जी क्लियर है सबको? सीपी दिया है और आईपी का परसेंट, सीपी कम होता है तो कम वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा संजीव? हेलो लोडिंग लोडिंग क्वेश्चन कौन सा रहेगा सर जी? चलो क्या आंसर आ रहा है? चालीस। कौन सा लगेगा? कम 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 ज्यादा वाला एफ पी दिया है। क्या आंसर आया? बताइए। तीन ही थी। हाँ अठारह 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 तुम बताओ ना। ठीक है, क्या बात है, इधर से इधर 16 जा रहा है ना? एसपी और एसपी का पसंद दिया है। वन एट सेवन फाइव जीरो ठीक है ना? डबल टू डबल टू जीरो गति बढ़ाइए।
ठीक है ना। क्या करना बताओ ना। क्या है 5000। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। ए सेंट बी गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन आईपी। आईपी पे 25% का मार्जिन रख के गुड्स भेजे कितने के 12,000 के। तो 12,000 इज योर सीपी एंड आईपी का परसेंट दिया हुआ है 25%। कौन सा फॉर्मूला लगा के आप आईपी फाइंड कर सकते हैं। कम वाला कितना आ रहा है 16,000 हो गया आपका आईपी। अब आपको क्या बोलता है 1/3 ऑफ द गुड्स By keeping profit of 20% on IP, इसका 1/3 कर दो, तो 5333.3। उसमें क्या बोलता है 20% profit जोड़ो plus 20%, है ना? भाई ये क्या आ गया आपका IP, और IP का ही profit है 20%, कितना आएगा 6400। समझ में आया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है बताओ? सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया? घर जाना। चलते हैं। सॉरी 6,000। बताओ सही, बताओ संजी सही आंसर क्या है। चलो देखते हैं कितने गुड्स हैं 12,000 के, 25% ऑन कॉस्ट, तो 12,000 हो गया सीपी और आईपी फिर कितना हो जाएगा प्लस 25%, कितना होता है 15,000 हो गया हमारा आईपी। बराबर है? बोलता है बी सोल्ड 1/3 ऑफ द गुड बाय कीपिंग 20% प्रॉफिट ऑन आईपी, 1/3 हो गया हमारा 5,000 प्लस 20% दैट इज दी सर। ठीक है, तो यहीं पे सभा समाप्त करें।